यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुंभ में शहीद जवानों के लिए 40 देशों के विदेशी नागरिकों ने श्रद्धांजलि देने के लिए यज्ञ और हवन किया, जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर विदेशी नागरिकों ने शहीदों के परिवार के साथ खड़े रहने के साथ ही आतंकवाद पर लगाम लगाने की भी बात कही। विदेशी नागरिकों ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के कोने कोने से आए विदेशी मेहमान कुंभ नगरी में एक साथ खड़े नजर आए, न सिर्फ बल्कि शहीद जवानों को अपने अंदाज में श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 40 देशों के नागरिक पहुंचे, उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हवन का आयोजन किया गया, यहाँ पर अलग अलग जगहों से करीब 40 देशों के नागरिक पहुंचे थे जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।